الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. جزاك الله. سبحان الله. قاري محمد حسن رضا سيالفي. व्यूअर्स, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी शहरे रमज़ान में, हमारी सहरी ट्रांसमिशन में जो इस वक्त 24 न्यूज़ HT पे नशर हो रही है, सिटी 42 पे, सिटी 41 पे एंड रोही पे. आज इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक हक और बातिल की जंग का दिन है, ग़ज़वाए बदर का दिन है. ये वो दिन है जिसमें मदीना से 120 किलोमीटर दूर बदर की बस्ती में निहत्ते मुसलमान अपने से कई गुना बड़ी कुफार की फ़ौज से ईमान के सहारे लड़ने चले. और फिर जो वो हुआ वो तो तारीख है. अल्लाह ने 313 मुसलमानों को कैसे कुफार पर फतह दी, और ये पूरी जर्नी जो है इस पे हमें हमारे उलमाए कराम लेके जाएंगे. एंड ऑफ कोर्स आज नात का सफ़र भी हमने शुरू करना है, और जब नात के सफ़र की बात करते हैं तो हमारे साथ होते हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई, एक बेहतरीन स्टोरी टेलर, एक बेहतरीन सनाख्वा, और ये तो हम सभी जानते हैं कि इनसे बेहतर मनकपत कोई नहीं पढ़ पाता. पीर सैयद मोहम्मद मुकद्दस काज़मी अल मशदी हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम मुकद्दस भाई. जी वालेकुम सलाम. भैया, मुझे पता है कि आज के दिन की मुनासिबत से भी आप बात करना चाहते हैं, और फिर ऑफ कोर्स नात का सफर भी मैं है. बात करना चाहती हूँ या ये सुनना चाहती हैं? मैं दोनों चीज़ें सुनना चाहती हूँ, लेकिन ऑप्शन आपके पास है. आप ग़ज़वाए बदर की डायरेक्शन में लेके जाएंगे या नात के सफर? हाँ, चले इनको जो ना, मैं जैसे ये समझे कि हेडलाइंस मैं सिर्फ बता सकता हूँ. ठीक है. तमाम हम्द व सना है उस रब्बुल जलाल के नाम की जो बड़ा रहमान और रहीम है, बेशक, और सलाम व दुरूद हो खातमन नबीयीन पर, रहमतुल आलमीन पर, जो ताइफ के बाजारों में पत्थर खा के भी दुआएं देता रहा. और मेरा सलाम हो आले अतहार पर, जिनके बारे खुद रब्बुल जलाल जिनकी तहारत की गवाही दे रहा है और फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा. और मेरा सलाम हो सहाबा इकराम अजमाइन पर, जिन पे खुदा और रसूल बतूल राजी रहे, और सलाम औलिया अल्लाह पर जिन्होंने सारी जिंदगी इन्हीं की पैरवी में गुजार दी. और इब्तिदा कर रहा हूं, और बड़ी हेडलाइंस, वाकई हेडलाइंस, कि मारका ए बद्र 3 हिजरी, 17 रमजानुल मुबारक और बरोज जुमा. एक बात, ये पहला मारका हक व बातिल, जैसे आपने कहा, पहला था. और कैसे था, किस बेसरो सामानी में था, मैं आपको बताया ना, सिर्फ मैं ऊपर वाली लाइन बोलूं. एक तरफ 313 है वर्सेस हजारों की तादाद, ऑलमोस्ट 1000 से ज्यादा ये. और एक तरफ अगर असलहा देखा जाए तो वो मुकम्मल कुफार जो है वो असलहे से लैस थे. लेस इस तरह थे कि सर के खौल से लेकर जो है वो जीरा से लेकर मुकम्मल लोहे से जो ना भरपूर, कि तलवार का असर भी ना कर सके उन पर हो सके. और दूसरी तरफ चंद तलवारें, चंद घोड़े. और खाने के हवाले से अगर मैं बताऊं, ये उलमा इस बात की तस्दीक करेंगे कि यहां पे ये बेसरो सामानी थी कि एक खजूर थी, और खजूर को सिर्फ जो ना एक चूसता था दूसरे के मुंह में, दूसरा चूसता था तीसरे के मुंह में, इस तरह का एक सिलसिला था. और हकीकत में अगर आप सच्चाई से पूछें कि लश्कर इस्लाम का जो असल असला था वो था जज्बा ईमान, बेशक, वो था तौहीद और रिसालत पर मुकम्मल, यानी फिदाकारी जो है वो तौहीद और रिसालत पर. और फिर इसको बल्कि यूं कहूं कि तौहीद और रिसालत पर मर मिटने का अज़म, ये था असलहा. और फिर इनके पास कौन थे और उनके पास कौन थे, मैं सिर्फ चंद बड़ों के नाम ले दूं कि उधर बड़े बड़े
सरदारान अरब थे जिनमें अबू जहल था, उतैबा था, उतबा था और शीबा, यानी इस जैसे जो ना सरदार मौजूद थे। दूसरी तरफ दो असद थे, असद कहते हैं शेर को, एक अल्लाह का शेर था, एक रसूल अल्लाह का शेर था। अल्लाह के शेर का नाम है अली करम अल्लाह वजहू और रसूल अल्लाह के शेर का नाम है हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मुख्तसर ये जंग हुई, उधर 70 जो ना उनके वो जिसे कहते हैं ना कि बड़े नामवर लोग कत्ल किए गए, उनमें अबू जहल भी शामिल था, उतैबा भी शामिल था, और इधर सिर्फ 14 शहीद। और फिर एक मोजज़ा आपको बताना चाहता हूं। मोजज़ा ये था कि रिसालत इमाम ने ना कुफार से फिर जाके उनकी लाशों से मुखातिब हुए, तो सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये सुन रहे? कहा बिल्कुल सुन रहे, अगर रसूल सुनाए तो ये सुनते हैं। सुभान अल्लाह, मोजज़ा ना। रिसालत इमाम ने फरमाया कि मैं सुना रहा, ये सुनते भी। तो मैं चाहता हूँ कि इसको बाकी इंशाल्लाह जो ना उलमा इसको पेश करेंगे। मैं छोटा सा कलाम पेश करके, चूंकि इसकी इतनी फरमाइश, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। अच्छा, ब्रेक से आते हुए हम इस कलाम को सुनेंगे, क्योंकि जिस कलाम की इतनी फरमाइश है उसके लिए थोड़ा सा हम इंतजार भी कराएंगे व्यूअर्स को। व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा और आपकी फरमाइश पूरी होगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, और अब हम वापस आ ही गए हैं। तो जिस कलाम की बहुत फरमाइश हो रही थी उस कलाम की तरफ चलते हैं मुकद्दस भाई। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है, तेरे कदमों में आना तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है, मेरी आंखों को है दीद की आरज़ू, मेरी आंखों को है दीद की आरज़ू, रुख से पर्दा हटाना तेरा काम है, मेरी आंखों को है दीद की आरज़ू, रुख से पर्दा हटाना तेरा काम है, तेरे कदमों में आना तेरी चौखट कहाँ और कहाँ ये जबी, तेरी चौखट कहाँ तेरी चौखट कहाँ और कहाँ ये जबी, तेरे फैज करम की तो हद ही नहीं। माशाल्लाह। तेरी चौखट कहाँ कहाँ ये जबी, तेरे फैज़े करम की तो हद ही नहीं, जिनको दुनिया में ना कोई अपना कहे, जिनको दुनिया में ना कोई अपना कहे, उनको अपना बनाना तेरा काम है, जिनको दुनिया में ना कोई अपना कहे, उनको अपना बनाना तेरा काम है, तेरे कदमों में आना
मेरा काम था मेरी किस्मत जगाना, तेरा काम है मेरी आंखों को है दीद की आरज़ू, रुख से पर्दा हटाना तेरा काम है। अब मैं उसी तलाश में। क्या हजरत जामी आपने क्या किया जो रसालत में आपने आपको रोक दिया, रुक जाओ भी इसको नहीं आने देना। वही सफर लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। अब गवर्नर परेशान है, यहां से बात कट थी हमारी दो दिन पहले, फिर बीच में जनाब हसन का आ गया, फिर विलादत आ गई, मदर्स डे के हवाले से भी फिर बात हुई, तो वहां से मैं शुरू करूं कि रोक दिया गया। अभी ये आखिर क्यों? अब गवर्नर परेशान है कि शायद कोई बहुत लिथड़ा हुआ गुनाहों से ना कुछ शख्स है जिसको रसालत माब आने नहीं दे रहे। रसालत माब फिर ख्वाब में आए, ए बंदे खुदा ऐसा क्यों सोच रहा है? तू नहीं जानता जामी मुझे बहुत प्यारा है, रोक इसलिए रहा हूं कि जो कलाम वो लेके आ रहा है ना, अगर उसने पढ़ दिया तो शायद मुझे कब्र से बाहर आग के सुनना पड़े। बिल्कुल। जिस इश्क के साथ उसने लिखा, मैं कहता हूं कि ये इस बात पे गौर करें सरकार आशिकों के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं। और मैंने भी उसी जुमले पे इसलिए खत्म किया है, हालांकि नात के और भी अशार थे, वक्त भी कम है, मैं चाह रहा हूं कि लोगों को समझा सकूं। और खुसूसन रसालत माब की बारगाह में मैंने ये बात की है कि या रसूलल्लाह रुखे अनवर दिखा दीजिए, हैं? जिनको दुनिया में ना कोई अपना कहे उसको अपना बनाना तेरा काम है, तेरे कदमों में। लेकिन शर्त यह है, शर्त यह है कि तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम। और मैं चूंकि वक्त की नजाकत है तो बस वो कलाम मैं पेश करना जा रहा हूं कि जो हजरत जामी लेके चले और जिसकी वजह से हजरत जामी को रोक दिया गया कि अगर इसने ये कलाम पढ़ दिया तो मुझे बाहर आना पड़ेगा। पेश कर रहा हूं। तनम फरसूदा जा पारा जहिजीरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तनम फरसूदा जा पाराज़े हिजरां या रसूल अल्लाह, तनम फरसूद जा पाराज़े हिजरां या रसूल अल्लाह, दिलम पजे मर्द आवारा जिसियां या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। चुसुवे मन गुजर आरी मने मिसकीन ना दोरी, चुसुवे मन गुजर आरी मने मिसकीन ना दोरी, फिदाए नक्श नाले नत कुनम जाया
रसूल अल्लाह तेरी नालैन के सदके सभी को रिस्क मिलता है तेरी या रसूल अल्लाह तेरी तेरी नाल के सदके सभी को रिस्क मिलता है तेरे टुकड़े मुकद्दस का गुजारा या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़े या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़े हाँ जिक्र दाखीश हैरान सिया शुद्ध रोजे सियानम हाँ जिक्र दाखीश हैरान सिया शुद्ध रोजे सियानम पशेमानम पशेमानम पशेमाया बद्र और उस पे बात करने के लिए और हमें गाइड करने के लिए टू ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटीज आज तो मेरे लिए बहुत ही लकी दिन है क्योंकि दो ऐसे बहुत ही प्यारे भाई मेरे जिनको टीचर भी कहूँगी मेंटोर भी कहूँगी गाइड भी करूँगी और सबसे बड़ी बात ये कि इतनी मोहब्बत और प्यार से टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हैं कि बात डायरेक्ट जाके दिल के कॉर्ड्स को टच करती है और मेरे ख्याल से यही ट्रू स्कॉलर एंड अल्लाह के बंदे की इंडिकेशन होती है जो बात ऐसी करे कि अगला परेशान भी ना हो और उस डायरेक्शन में चल पड़े जो एक्चुअली राइट पाथ है आइए व्यूअर्स मिलते हैं इट्स अ वेरी बिग ऑनर फॉर मी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साद सिद्दीकी हमारे साथ हैं अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब अस्सलाम वरहमतुल्लाह खैरियत से हैं बिल्कुल ठीक ठाक और डॉक्टर साहब आज यहाँ पे भी मुलाकात करके खुशी हुई वैसे तो आपका चल ही रहा था प्रोग्राम साथ में 24 के ऊपर हमारा जी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है देन वी हैव अलामा हसन रजा हमदानी हमारे बहुत ही प्यारे भाई जिनके साथ हमारा साथ चलता रहता है रमजान मुबारक में अस्सलाम वालेकुम भाई वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह एंड देन ऑफ कोर्स हमें ज्वाइन किया है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए सना कादरियानी अस्सलाम वालेकुम हम आपकी तरफ आएंगे कलाम के लिए लेकिन पहले अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे जी तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपसे बात शुरू करूंगी कि हमें इस गजवा के पस मंजर अगर बताएं कि उसकी बैक स्टोरी क्या थी और हालात जंग तक कैसे पहुंचे बिकॉज इस्लाम इज एक्चुअली अ रिलीजन ऑफ पीस एंड लव एंड मोहब्बत तो ये बात यहाँ तक कैसे पहुंची बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम आपने जहाँ बात ख़त्म की है मैं वहाँ से शुरू करता हूँ कि इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस एंड लव और ये इस्लाम इतना बड़ा प्यार मोहब्बत का दीन और सलामती का दीन है कि इसके जो गजवात हैं इसका जो जंग का कल्चर है वो भी अमन की दावत है बेशक वो भी क़याम अमन के लिए है वो भी यानी ऐसा है कि जो इंसानी सलामती का यानी यूँ समझ लीजिए ज़ामिन है असल बात यह है कि पस मंज़र को यूँ समझिए कि ये जो हिजाज़ मुक़द्दस का इलाक़ा है मक्का मुकर्रमा का मदीना मुनव्वरा का ख़ास तौर पर मक्का मुकर्रमा का ये एक जंगी तहज़ीब और कल्चर का इलाक़ा है और ख़ास तौर पर जो कुरैश हैं इनका नाम ही कुरैश इसीलिए पड़ा था
कि कुरैश एक बड़ी मछली होती थी, समंदर के अंदर एक बहुत बड़ी मछली का नाम कुरैश होता था, और उस मछली की खासियत ये थी कि वो सारी छोटी मछलियों को खा जाती थी। कुरैश ने अपना नाम इसीलिए रखा था कि ये इतना बड़ा कबीला है और इतना मुतमविल और सरबरावर्दा बहादुर और शुजा कबीला है कि ये छोटे छोटे कबीलों को खा जाता है जैसे वो मछली खा जाती है। ये उनका कल्चर था। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। अच्छी तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये उनका कल्चर था, ये उनकी तहजीब थी। अच्छा, लामा साहब को हंसी आ रही है एज़ यूजुअल मेरी बातों के ऊपर। तो इस तहजीब के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कल्चर दिया, जो तहजीब दी, उस कल्चर की ये ख़ास बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की जो लड़ाइयाँ हैं और आपका जो हरबी उसवा है और वो जो हमें सीरत मिलती है, मैदान जंग की जो सीरत मिलती है, हमें यूँ महसूस होता है कि आपकी मैदान जंग की सीरत भी दावत अमन है, दावत मोहब्बत है। और उसकी वजह यह कि देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो 10 साल मदनी ज़िंदगी है, इस 10 साल मदनी ज़िंदगी में 27 गज़वात हुए। 27 गज़वा, असल में दो तरह की लड़ाइयाँ हुई हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस 10 साल के अरसे में। एक वो जिसको हम गज़वा कहते हैं, वो लड़ाइयाँ जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ात खुद शरीक होते थे। बाज़ लड़ाइयाँ ऐसी भी हुई हैं, ऐसी भी मुहिमें हुई हैं कि जहाँ आप ख़ुद शरीक नहीं हुए, आपने सहाबा की एक जमात, सहाबा ही में से किसी को कायद बनाकर रवाना कर दी। वो सरिया कहलाता है। सही, सरिया यानी सराया उसकी जमात ही है। बट ये गज़वा था। गज़वा और एक सरिया। ठीक है, तो ये गज़वा है, बद्र जो है ये गज़वा बद्र है। क्योंकि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ात खुद शिरकत फरमाई, और ये पहला बाकायदा गज़वा है, यानी पहली बाकायदा जंग है। और इसका पस मंज़र असल में यूँ है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गए और मुसलमान मदीने आ गए, तो भी कुफ्फार मक्का को इस बात पर इत्मीनान नहीं हुआ कि चलो मुसलमान यहाँ से चले गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से चले गए, मुतमईन हो जाते कि जी हम जिसकी मुखालफत कर रहे थे वो हमें छोड़ के चला गया। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से अज़ियतें और तकलीफ़ें देने का जो सिलसिला था वो मुसलसल जारी रखा। और वो जो 13 बरस जो अज़ियतें देते रहे वो तो एक तरफ थीं, अब भी ये सिलसिला जो है वो जारी था। और इस ज़मीन में जो सबसे बड़ा और सबसे अहम काम उन्होंने किया वो ये किया कि ये जो अब 2 साल हैं, इन 2 सालों में जितनी तिजारत होगी उस तिजारत का बहुत कम हिस्सा हम उसमें प्रॉफिट जो होगा उस प्रॉफिट में से बहुत कम हिस्सा हम लेंगे और ज़्यादातर हिस्सा हम जमा करेंगे मुसलमानों से लड़ने के लिए। एक बाकायदा यानी यूँ समझ लीजिए कि वॉर स्ट्रेटजी भी तैयार की और उसके लिए बजट भी अलग किया कि हम ये पैसे जमा करेंगे, जितना भी हमारी तिजारतों से मुनाफा होगा उसका बेशतर हिस्सा हम जो है वो मुसलमानों से लड़ने के लिए वक्फ कर देंगे। बाकायदा एक कैंपेन, बाकायदा कैंपेन भी चलाई। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अलावा साहब अगर यहाँ से पिकअप कर लें, फिर आगे क्या हुआ? फिर मैं अर्ज़ करूँ कि इसका पस मंज़र जो सदीकी साहब बयान फरमा रहे थे, जब ये हिजरत करके मुसलमान कुछ हबशा चले गए और कुछ जो है मदीना तशरीफ़ ले आए, तो पीछे मुसलमानों के अमलाक मौजूद थे, मकानात थे, कुछ अपनी भेड़ बकरियाँ, कुछ अजीज़ वकारब की तरफ, कुछ ऊँट और जैसा कुछ सामान वहाँ छोड़ के आए हुए थे। तो कुफार मक्का ने उन घरों पे हमला किया, उन घरों को जलाया, उसमें पड़ा हुआ सामान लूट लिया। अब मुसलमानों के अंदर एक इज़्तराब था। अब मदीना मुनव्वरा उस मंजिल पे मौजूद है कि मक्का से 2 रास्ते गुजरते हैं, जो शॉर्ट रास्ता है वो मदीने के करीब से गुज़रता था, और जब मदीने के करीब से गुज़रता था तो कुरैश मक्का की आमदन और घर के सारे सर्कल का सिलसिला जो था वो हजाज के उसके साहिल पर, जो बिल्कुल बदर के करीब है, तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर, तो वहाँ से वो गुज़र के दूसरे ममालिक में और यसरब में, अपना शाम में और गज़ा में ये सफ़ा तजारत के लिए जाते थे। अब जब इन्होंने ये काम किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला हज़रत हमज़ा सलामुल्लाह अलैह व रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की क़्यादत में 18 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटा सा दस्ता हज़रत अमीर हमज़ा को अमीर बनाया। ये इस्लाम का पहला लश्कर जो चला। अच्छा, वो रास्ते में ये हुआ कि कुरैश के साथ टकराव हो गया, लेकिन दोनों का यानी बनी हाशिम का हलीफ और कुरैश का हलीफ
इब्ने हकीम जो है वो दरमियान में आड़े आ गया, उसने जंग नहीं होने दी और हज़रत हमज़ा को वापस भिजवा दिया और कहा कि आपके अमलाक के हवाले से हम वहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद भी ये हुआ कि जब ये पता चला कि उन्होंने रास्ता रोका है तो बाकायदा कुरैश ने चढ़ाई की, नबी अकरम की चरागाह पे हमला किया और नबी अकरम के चंद ऊँट और भेड़ बकरियाँ वहाँ से अपने जोर बाजू पे ले गए। अब ये इस्लाम को मुसलमानों को खुला चैलेंज था। अब क्या था कि अबू सुफियान गजा गया हुआ था, तरीके से टीज करना और इंस्टिगेट करने की कोशिश की जा रही है। मैं बस दो सेकंड में इसको ख़त्म करने जा रहा हूँ। गजा गया हुआ था तो अब मुसलमानों को खबर मिली कि एक बड़ा जो उनका काफिला है तजारत का वो वापस आ रहा है। अब वो वापस आ रहा था तो उसको रोकने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हजश की क़यादत में चंद अफराद को भेजा। अच्छा, वो उसको ख़बर हो गई और वो बिल्कुल सहले समुंदर के साथ साथ बहिर अरब के साथ साथ मक्का की तरफ रवाना हो गया और इनका टकराव एक छोटे से काफ़िले से हो गया, वो भी कुरैश का काफ़िला था। अच्छा, उस काफ़िले के नबी अकरम ने उस काफ़िले के लिए इनको नहीं भेजा था, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन हजश का जब उनसे टाकरा हुआ, इन तलवारें बेनियाम हो गईं और वहाँ पर एक शख्स अमर मखजूमी जो है वो अमर जो है हजरमी वो कत्ल हो गया। अब जब अमर हजमी कत्ल हुआ और दो अफराद गिरफ्तार हुए, नबी अकरम ने इस पर जो है वो नाराज़गी का इजहार भी किया, उस कत्ल की दियत उन दो जो गिरफ्तार हुए अफराद उनको आज़ाद किया, उस कत्ल की पूरी दियत देकर उनको मक्का भेजा ताकि कोई हमारी तरफ से जंग का शख्साना ना उठे। उसके बाद दोबारा कुरैश मक्का ने अबू सुफियान की क़यादत में वो सारा जिसके तरफ सदीकी साहब ने इशारा किया, एक पूरा सामान के तजारत सारा इकट्ठा करके गजा भेजा। वहाँ पे मेले में वहाँ से आमदन में असला ख़रीदा गया, असला ख़रीद कर भी वापस आ रहे थे और मुसलमानों को खबर हो गई हज़रत जिब्राइल के ज़रिए भी और दीगर ज़राए के ज़रिए भी कि वहाँ से अबू सुफियान सामान सलाह यानी कि हथियार वगैरह लेके आ रहे हैं। तो अब यहाँ से मुसलमानों का एक लश्कर निकला, इधर अबू सुफियान को खबर हो गई कि मुसलमान मेरा रास्ता रोकेंगे। इन्होंने कुरैश मक्का को ख़बर भेज दी और कुरैश मक्का जो पहले ही अमर हजरमी के कत्ल की वजह से नालान थे, उसके कत्ल को थोड़ा सा और उभारा गया, लोगों के जज्बात हिंदा ने भड़काए और उस पर जो है काफ़ी लोगों में जो है वो फिर पूरे कुरैश इकट्ठे हुए, हत्ता के बनी हाशिम के अफराद भी अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की क़्यादत में जंगे बदर में मजबूरन शरीक हुए। कहा गया कि जो नहीं जाएगा उसके घरों को जला देंगे, उनको कत्ल कर देंगे। अब सब लोग आए, इसीलिए 1,103 अफराद ये लोग चले हैं वहाँ से और 300 अफराद वहाँ से बदर के मार्के में वापस गए हैं। 1,000 कुफार थे, 313 मुसलमान थे, ये इसका था। और अल्लाह ने वादा किया था रसूल खुदा से, कुरान के लफ्ज़े हैं कि दो ग्रोहों में से एक से तुम्हारा मुकाबला हो जाएगा। ये निकले, बदर की मंजिल पर पहुँचे, अबू सुफियान फिर वही सैले समुंदर के साथ गुजर गए और अबू जहल के साथ टकराव हो गया और वो निचली मंजिल पे थे, ये अपली मंजिल पे। इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में से बात करेंगे। यहाँ से अब आप पिकअप कर लें डॉक्टर साहब, यहाँ से फिर क्या हुआ? हमारे पास कोई 2-3 मिनट है, फिर हम कलाम की तरफ जाएंगे। उसमें ये हुआ कि जंगी हिकमत अमली समझाई सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। रमज़ानुल मुबारक की तकरीबन 10-11 तारीख को आप मदीने से निकले और बदर पर आके ठहरे और वो जैसे अल्लामा साहब ने कहा कि एक ऐसा ऊंचा पहाड़ सा था, उस पहाड़ पे ऊंचाई पे मुसलमान ठहरे हुए थे और नीचे की तरफ कुफार का लश्कर था। अच्छा, उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि एक तो ये कि अल्लाह की तरफ से मदद आई फरिश्तों की सूरत में कि कुफार जब मुसलमानों को देखते थे तो यूँ समझते थे ये बहुत बड़ा लश्कर है और मुसलमान जब कुफार को देखते थे तो यूं समझते थे कि ये बहुत कम लोग हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन था ना। अच्छा, दूसरा ये कि ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार का लश्कर छोटा करके दिखाया गया बाकायदा कि भाई ये लश्कर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को पूरी जंगी हिकमत अमली भी समझाई कि पहले कौन हमलावर होगा, पहले कौन आएगा, आगे कौन आएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, इन हज़रात को, हज़रत हमज़ा को, इन सब हजरात को पूरी स्ट्रेटजी समझाई और उसके बाद आपने ये पेशिंगोई की कि कल इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। हत्ता के आपने वो जगह बतला दी कि यहाँ फलां कुरैशी सरदार मारा जाएगा, यहाँ फलां कुरैशी सरदार मारा जाएगा, यहाँ कुरैशी फलां कुरैशी सरदार, मुसलमानों का मुराल बुलंद करने के लिए। और अगले दिन वही हुआ और ये सारी स्ट्रेटजी और हिकमत अमली समझाने के बाद आप अपने खेमे में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ साथ हैं, वो खेमे के बाहर जो है ना पहरा दे रहे हैं
और वहाँ फिर खेमे में जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की कि ऐ अल्लाह, अगर आज तेरा नाम लेने वालों की ये जमात ख़त्म हो गई तो क़यामत तक फिर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं, आपके बाद अब कोई नबी तो आना नहीं है। अब अगर ये नबी के चंद साथी हैं जो इस वक्त पूरे मैदान जंग में जमा है, अगर ये भी बेचारे मारे गए तो फिर जाहिर है कि दीन कहाँ पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा अगली नस्लों को, तो फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो इस दुआ के साथ जब जंग का आगाज़ हुआ तो फिर जाहिर है कि तारीख़ ने यह बात नकल की कि किस तरह से अल्लाह की मदद आई और कैसे अल्लाह की इस मदद के ज़रिए से 313 का ये लश्कर, कि जिसके पास ना साजो सामान था, ना असलाह था, ना तादाद ऐसी थी, 1000 के उस लश्कर के ऊपर गालिब आया। कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह की इजाज़त से एक छोटी सी जमात एक बड़ी जमात के ऊपर गालिब आ गई। यहाँ पे हम कलाम की तरफ जाएंगे, कलाम सुनते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो अलावा साहब आप हमें डिस्क्राइब करेंगे कि एग्जैक्टली वहाँ पे फिर हुआ क्या जंग के दौरान, एंड देन ऑफकोर्स कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात इस पूरी प्रोसेस में पैगाम क्या मिलता है हमें, हम आज इन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिकॉज़ हम हिस्ट्री की तरफ ज़रूर जाते हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री हमारी रूट्स हमारे कोर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन हम उससे लेते क्या हैं, व्हाट डू वी टेक अवे फ्रॉम इट, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। सिर्फ गुफ्तगू की हद तक नहीं, आगे क्या करें, उसको ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। आइए बेटा आपके पास आते हैं सना। मुफल से जिंदगी अब न समझे कोई, मुफल से जिंदगी अब न समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए ना क्यों मेरा यक्से दुरूद, जगमगाए ना क्यों हो मेरा यक्से दुरूद, एक पत्थर को आई ना दर मिल गया, मुफल से ज़िंदगी और उसका दीवाना हूँ, उसका मजज़ूब हूँ, क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ, उसका दीवाना हो उसका मजज़ूब हो, क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ, सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, मुझको इतना तो ज़्यादे सफर मिल गया, मुफल से ज़िंदगी और जब से मुझ पर हुआ
मुस्तफा का करम। और जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम, जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम, बन गया दिल मुसाफिर चरागे हरम। जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई मेरी खाना। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। ये दुनिया मदीना है, हर एक मौजे बला की राह हमें हाइल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह मदीना है। और जमाना धूप है और छांव है बस एक बस्ती में। जमाना धूप है और छांव है बस एक बस्ती में। ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह हमें हाइल मदीना है। और मदीने के मुसाफिर तुझे पे मेरे जानो दिल कुर्बान। तुझे पे मेरे जानो दिल कुर्बान। तेरी आँखें बताती हैं तेरी मंजिल मदीना है। तेरी आँखें बताती है तेरी मंजिल
मदीना है, ये दुनिया एक समुद्र है मगर साहिल मदीना है, हर एक मौजे वाला किरा हमें हाइल मदीना है, और शरफ मुझको भी हासिल है मुहम्मद की गुलामी का, शरफ मुझको भी हासिल है मुहम्मद की गुलामी का, वो मेरे दिल में रहते हैं, वो मेरे दिल में रहते हैं, मेरा दिल भी मदीना है, वो मेरे दिल में रहते हैं, मेरा दिल भी मदीना है, ये दुनिया एक समुद्र है मगर साहिल मदीना है, और करम कितना है फखरी उनकी जाते पाक का मुझे पर, करो कितना है फखरी उनकी जाते पाक का मुझे पर, अरे मैं इतनी दूर हूँ ले कि मुझे हासिल मदीना है, ये दुनिया एक समुद्र है मगर साहिल मदीना है। बेशक बेशक साहिल मदीना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जज़ाकअल्लाह हाफिज अब्दुल रहमान नक्शबंदी। व्यूअर्स, आज का टॉपिक हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपको ज़रूर याद कराऊंगी व्यूअर्स के हम अक्सर आपसे बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ऑब्वियसली जब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं तो आपसे ही गुफ्तगू कर रहे होते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि थोड़ी सी गाइडलाइंस ले लें, थोड़े से टॉपिक्स पर क्लैरिटी ले लें। तो आप भी अगर प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 03172424645 पे। उसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली हमारी सहरी की ट्रांसमिशन तो 24 न्यूज़ HD पे भी ऑन एयर जाती है, फिर सिटी 42 पे, सिटी 41 पे और रोही पे। तो आप देख रहे हैं शहरे रमज़ान की सहरी की खसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूँ चुगन काजिम, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, और कलाम पाक की तरफ भी हम गए थे ब्रेक से पहले। अलामा हसन रज़ा हमदानी हमारे साथ हैं, एंड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साद सिद्दीकी भी हमारे साथ हैं, हमारे गाइड्स, हमारे मेंटोर्स। मैदान जंग में क्या हुआ इसकी तरफ हम जाएंगे, बट ऑफकोर्स आपसे इंट्रोड्यूस कराऊँगी। नेक्स्ट कलाम पाक पेश करने के लिए मोहम्मद रिजवान सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम भैया। भैया हम आपकी तरफ अभी आएंगे, लेकिन ब्रेक में जाते हुए फिर मैदान जंग में क्या हुआ? उसमें मैदान जंग में बेसिक ये हुआ कि चूँकि जिस तरह सिद्दीकी साहब ने डॉक्टर साहब ने फरमाया
कि मुसलमान जो थे वो पहाड़ी के दामन में थे और बुलंदी पर थे, कुफार जो थे वो निचली जगह पे थे। अब मुसलमानों के नीचे जो ज़मीन थी वो बेसिक रेतली ज़मीन थी, तो और जो जहाँ पे कुफार ने पड़ाव डाला था वहाँ पे मट्टी थी, यानी कि दूसरी ज़मीन थी, और वहाँ पे रेतली ज़मीन थी, यहाँ पे मट्टी वाली ज़मीन थी। तो रात को बारिश हो गई मदद खुदा से, और बारिश की वजह से पहाड़ी पर से भी जो पानी उतरा, मुसलमानों की ज़मीन जो है वो रेत जो है वो बैठ गई और वहाँ पे गारा बन गया जहाँ पे कुफार का पड़ाव था। ओके वहाँ पे गारा बन गया। अब गारे में जो है वो घोड़ों के लिए भी मुश्किल थी, खड़ा होना भी और ऊँटों के लिए बैठना भी और फिर सामान संभालना और वो सारे मामला। ऑलमोस्ट दलदल की तरह ज़मीन, दलदल की तरह वो ज़मीन नरम हो गई, पानी खड़ा हुआ ज़मीन में गया और वो हो गई। अब अगले दिन जब सफबंदी हुई, जिस तरह सदीकी साहब ने भी फरमाया कि सफबंदी में मेमना मैसरा कल्बे लश्कर और उसके सबसे फ्रंट पे बिल्कुल उनके लश्कर के करीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमा लगवाया। बुलंदी पर वो खैमा था जहाँ से उनके पूरे लश्कर की हरकत को देखा जा सकता था। वहाँ पे नबी अकरम ख़ुद भी तशरीफ़ लाते थे, असहाबे पैगंबर भी, जब जंग की चक्की छिड़ी और ये 6 घंटे की टोटल जंग थी। और सबसे पहले जो दूबदू जंग हुई तो हुआ ये कि ये जो मैंने अर्ज़ किया कि अमर हज़रमी जो था वो कत्ल हुआ, उसी का भाई आमिर हज़रमी, गो नबी अकरम ने उसकी दियत भी भिजवा दी थी और सारा, आमिर हज़रमी ने सर मुंडवाया, सर में खाक डाली और नोहे कहे, मरसिए कहे, फौजों अपनी फौज कुफार मक्का के जज्बात को उभारा और फिर इस तरह वो तलवार लेके मुसलमानों के लश्कर पर लपका। उसका ये था कि वो आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बग़ैर कोई मुसलमान हिला भी नहीं, अगरचे चंद मुसलमान उसमें ज़ख्मी भी हुए, यानी उसने जब तलवार घुमाई किसी के बाजू पे लगी, किसी के शाने पे लगी, कोई पीछे हटे, लेकिन मुसलमानों की जो पांव थे वो साबित कदम रहे, अपनी जगह से नहीं हिले और फिर वो नामुराद हो गए, यानी वो जो दिल में अंगारा लेके गया था। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैगाम भेजा कुफार मक्का की तरफ, वहाँ पर बदर में जो मार्के में मौजूद थे, कि आपसे हमारी अजीज़दारी भी है, मैं जंग नहीं चाहता, आप लोग वापस जा सकते हैं, हम आपको सेफ़ साइड रास्ता जो है प्रोवाइड करेंगे, आपके माल असबाब जो है वो महफूज रहेंगे और आपको जो मुश्किल है आप बेशक चंद दिन यहाँ क़याम करके वापस चले जाएं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को अबू जहल ने जो है वो बिल्कुल भी कबूल ना किया, जबकि दूसरे कबीले के अफराद जो थे उन्होंने कहा भी कि जब मामला रफा दफा हो रहा है तो फ़िलहाल हमें वापस जा, आगे बढ़े। जब अंसार आगे आए तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पैच के लोग नहीं हैं, हम इनके साथ जंग नहीं करेंगे, हमारे मुकाबले को भेजो अफराद जो नसब में हमारे मुकाबले में हो, हम उनके साथ जंग करेंगे। फिर रसूल खुदा ने निदा दी हज़रत अमीर हमज़ा बिन अब्दुल मुतलिब, हज़रत अली इब्न अबी तालिब और हज़रत अबैदा इब्न हारिस, ये भी रसूल खुदा के चचाज़ाद भाई हैं, ये तीनों मैदान में उतरे। और फिर हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने अली इब्न अबी तालिब ने हमला करके पहले ही वार में अपने मद्दे मुकाबल को फिनार किया, हज़रत अमीर हमज़ा के हमले से दूसरा फिनार हुआ, हज़रत अबैदा बिन हारिस ज़ख्मी हो गए और फिर अमीर मोमिनी अली ने और जनाब अमीर हमज़ा ने जो है वो अबैदा बिन हारिस के मद्दे मुकाबल को फिनार किया और फिर उन तीनों की तलवारें उठाकर हज़रत अबैदा बिन हारिस ज़ख्मी को उठा के चले और वापस पहुँचे। फिर दूसरी जंग के नौबत आगे बढ़ी और फिर दोनों फौजों की मुठभीड़ हुई, उसमें यह हुआ कि 70 कुफार मारे गए, 70 कुफार कैदी हुए, हज़रत माज और माउज दो कमसन जवानों के हाथों अबू जहल जैसे घमंडी मुतकब्बर इंसान की नाक रगड़ी गई और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने ज़ख्मी हालत में उसका सर तन से जुदा कर दिया और यूं हक को बातल पे फतह नसीब हुई, किल्लत कसरत पे गालब आ गई, खुदा की नुसरत नज़र आने लगी और खुदा ने कहा कि मैंने 1000 फरिश्ते लगातार आने वाले मुसलमानों के लिए मदद के लिए भेजे, 70 कुफार मारे गए जिनमें से 35 अली के हाथों कत्ल हुए। सुभान अल्लाह। यहाँ पे हम कलाम सुनते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को रैप अप करेंगे और कंक्लूजन की तरफ जाएंगे कि हमने फिर सीखा क्या और हम इस वाक़े से, इस जंग से क्या लाइफ लेसन ले सकते हैं जो हम आज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो ब्रेक के बाद होगा। जी बेटे। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, खुला
खुला है सभी के लिए बाबे रहमत वहाँ कोई रुतबे में इतना ना आली मुरादों से दाम नहीं कोई खाली कतारे लगाए खड़े हैं सवाली मैं पहले पहले जब मदीने जाने वाली मैं पहले पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली वो दरबार सच्चे मुझे मेरे सामने था अभी तक तसव्वुर है जिसका ख्याली और मैं एक हाथ से वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स हमारे साथ अलामा हसन रजा हमदानी हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साद सिद्दीकी हैं आर टीचर्स आर गाइड्स आर मेंटर्स और ऑफ कोर्स हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है मोहम्मद शहजाद कादरी ने अस्सलाम वालेकुम और इन्हीं के साथ हम अपने प्रोग्राम को क्लोज करेंगे कलाम सुनते हुए लेकिन अभी हम उसकी तरफ आएंगे शहजाद भाई तो कुछ देर की ब्रेक आपसे लेंगे क्योंकि हमने अपनी गुफ्तगू को व्यूअर्स रैप अप करना है कोशिश ये होती है कि इस मरहले में कॉन्वर्सेशन को समेट लें तो विदाउट फर्दर अड्यू जी डॉक्टर साहब देखिए बात यह है कि मैदान जंग में जो वाक़यात हुए अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरती से बहुत इख्तिसार और जामियत के साथ उन चीज़ों को बयान किया और ये बात आई कि 70 कुरैश मक्का के सरदार मारे गए और 70 मुसलमानों की कैद में आ गए सही अच्छा अब ये जो 70 मुसलमानों की कैद में आए ये लाए गए मदीना मुनव्वरा लेकर आए गए और इनको मस्जिद नबवी के मुख्तलिफ सुतूनों के साथ बांध दिया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ताकीद की कि इनकी खातिर तवाज़ों में कोई कमी ना आए इनको खाना वक्त पर देना बेहतरीन खाना वक्त पर देना और ये सब बाकायदा ड्यूटीज़ लगा दी कि भाई फ़लाँ फ़लाँ को तुम दोगे फ़लाँ को तुम दोगे फ़लाँ को तुम दोगे यानी उनके खाने पीने में कोई कसर ना रहे कोई उनके खातिर तवाज़ों में कसर ना रहे वो जनाब वहाँ बंधे हुए हैं और मुसलमानान मदीना आपस में उनके मुतालिक मशवरा कर रहे हैं कि भई अब इनका क्या किया जाए अच्छा अब यहाँ दो बातें हैं जो बड़ी काबिल गौर हैं कि मुझे तो डॉक्टर साहब ये बात ही समझ आ रही कि खातिर तवाज़ों लेकिन उनके खातिर तवाज़ो उनके खाने पीने का ख्याल ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास हिदायत थी कि इनके खाने पीने में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए कोई इनके खुराक की कमी ना हो कोई इस तरह की सूरत हाल ना हो अच्छा अब जो दो बातें जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक तो ये कि कुरैश मक्का के लिए ये मंज़र जो था ये बड़ा ही अजीब व गरीब था या तकलीफ़ दे था यानी मैं समझता हूँ कि कुरैश मक्का की जो नफ्सियात थी जिसका मैं पहले भी जिक्र कर रहा था उस नफ्सियात के मुताबिक उनका 70 आदमियों का मारा जाना शायद उनके लिए इतना अफसरदा करने वाली बात नहीं थी जितना ये बात उनके लिए बड़ी सुहाने रूह थी कि उनके 70 आदमी किसी और की कैद में हैं और वो इनके मुतालिक मशवरा कर रहे हैं कि इनका क्या किया जाए और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय दे रहे हैं
कोई कह रहा है इनको मार दो, कोई कह रहा है इनको छोड़ दो, कोई कह रहा है फिदिया लेके छोड़ दो। ये मशवरा हो रहा है कुरैश मक्का के मुतालिक। ठीक है, कुरैश मक्का के मुतालिक ये चीज़ जो है, ये यूँ समझ लीजिए कि कुरैश ने कभी ख्वाब में भी ये सोचा नहीं होगा कि हमारे मुतालिक कोई दूसरा मशवरा करेगा कि इनको सलामत रखा जाए या इनको मार दिया जाए। एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ जो काबिल गौर है वो ये है कि देखिए बहुत सारे मशवरे आए, लेकिन ये मशवरा किसी ने नहीं दिया कि इनको, क्योंकि उस ज़माने में जो कल्चर था जंग का वो यही था कि जो जंगी कैदी होते थे वो तकसीम हो जाते थे और वो गुलामों और बंदियों की तरह की सूरत में लोगों को, लड़ने वालों को दे दिए जाते थे। ये मशवरा किसी एक आदमी ने नहीं दिया, ये थी तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हालांकि इसके मुतालिक कोई बहुत वाज़े हुक्म अभी तक नहीं आया था कि भाई कैदियों को ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का असर था सहाबा के ऊपर कि सहाबा में से किसी ने ये मशवरा नहीं दिया कि इनको ग़ुलाम के तौर पर जो है सब में तकसीम कर दिया जाए, मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया जाए और वो सब इनको अपना ग़ुलाम बना लें, अपना मुलाजिम बना लें। ये मशवरा किसी ने नहीं दिया। ये एक यानी बड़ी काबिल गौर बात है और ये नज़र आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 13 साल की मक्के की तरबियत और 1.5 साल की ये मदीने की तरबियत थी, ये उसके असरात थे, वगरना ये राय आना ज़रूरी था और मुतवक्का था, यानी जो उस कल्चर का ये असर था और उस कल्चर में ये बात होनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने राय भी नहीं दी है। एक्चुअली यही बात होती ना, ये सबसे ज़्यादा किसी को ह्यूमिलिएट करना या एम्बेरस करने का तरीका होगा ना कि आप किसी वॉर के प्रिजनर को, जो जंग लड़ रहे थे, जो वॉरियर्स थे, उनको पकड़ के आप कैदी बना दें, इससे उनको आप वो बना दें, गुलाम बना दें, मतलब इससे ज़्यादा एम्बेरसिंग चीज़ क्या हो सकती है। इसीलिए तो ये कुरैश के लिए भी एक काबिले फिक्र चीज़ थी कि अब ये क्या करेंगे इनका। जी वरा सदीकी साहब ने बड़ी अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया, अब मज़ीद इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं, मगर इतना अर्ज़ ज़रूर करना चाहूँगा, इसमें ऐड करना चाहूँगा इनकी बात में, कि रसूल अकरम ने कैदियों को 3 हिस्सों में तकसीम किया और यानी 3 रवैये उनके साथ रवा रखे। एक कैदी है, कुछ कैदी ऐसे थे 7 या 10 की तादाद में कि जिनके बारे में कहा कि इनको कत्ल कर दिया जाए, बग़ैर किसी वक्फे के इनको कत्ल कर दिया जाए। दूसरे कैदी वो थे कि जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फदिया दो, अपना रकम अदा करो और आज़ादी लो, जो अल्टीमेट डिसीजन। उसमें हज़रत रसूल खुदा के खुद चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी थे, कहा कि फदिया, उनका भतीजे मेरे घर में तो कुछ नहीं है, तो रसूल खुदा ने बताया कि तेरे घर में फ़लाँ मंजिल पे इतने दिरहम और दिनार पड़े हैं, वो मंगवाओ, अदा करो, जाओ, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरे कैदी ऐसे थे कि जिनको लाजमी करार दिया गया कि आप अगर पैसे नहीं हैं, दिनार नहीं है, नहीं दे सकते, तो आप हमारे बच्चों को तालीम देंगे। वो बकायदा उन्होंने फिर वो मुद्दत मुय्यन हुई, उतनी मुद्दत में उन्होंने लिखना पढ़ना जब बच्चों को सिखा दिया, मदीने के बच्चों को, उनमें यहूदियों के बच्चे भी थे, मुसलमानों के बच्चे भी, सिखा दिया तो फिर उनको आज़ादी मिल गई। यानी इस जंगे बदर से हमें 3 सबक मिलते हैं अल्टीमेटली। पहला सबक कि हमें अल्लाह और रसूल के साथ जो वादा है उसको हर सूरत वफा करना है, चाहे सामने दुश्मन की जमीयत भी हो, अपने मामले अपने रसूल और अल्लाह से पीछे नहीं हटना हमने। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि दुश्मन के साथ भी हुस्न सलूक के साथ पेश आना है। सही, और चाहे दुश्मन के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आना है, तो फिर अपनों के साथ कितने सलूक के साथ पेश आना है, ये उससे अगली बात है। तीसरी चीज़, तालीम हमारे लिए कितनी अहम है। आज कोरोना की वायरस की क्या उसको कहेंगे, वैक्सीन के लिए हम सब देख रहे हैं गैर मुस्लिम की तरफ, जबकि हमें इस्लाम का पहला मार्का बताता है कि इल्म कितनी बड़ी चीज़ है। हमें मुसलमान होने के उनवान पर हमारे असलाफ जहाँ पे तिब के हवाले से थे, हमें उस तरफ वापस पलटना है और इल्म के लिए अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान करते हुए इल्म का हसूल करना है। घरों में फारग नहीं बैठना, टेलीविज़न के ज़रिए या दीगर तलीम के ज़रिए जो है अपने बच्चों को इल्म में मशगूल रखना है। बड़ी ही खूबसूरत और प्यारी बात कही, और यही वाली बात है भी उसकी, पूरी दुनिया में अब ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, और कुछ स्कूल्स पाकिस्तान में कर रहे हैं, लेकिन क्यों सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स जिनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं, वो हर स्कूल को, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सेमी प्राइवेट हो, हर स्कूल को अपने बच्चों को कम से कम ऑनलाइन तो एजुकेट करते रहना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी ने किया, आपकी यूनिवर्सिटी ने किया, माशाल्लाह। हम यहाँ पे अब अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे। व्यूअर्स, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हम जाएँगे मोहम्मद शहज़ाद कादरी की तरफ और कलाम सुनते सुनते प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे।
बख्शीश का मेरी दोस्तों सामान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। जिसको भी हो गई है उल्फत हुजूर से, जिसको भी हो गई है उल्फत हुजूर से, कोई बना बिलाल कोई सुलमान हो गया। जब से दरे नबी मैं मेहमान हो गया, ऐसे पढ़ा कुरान को मौला हुसैन ने, ऐसे पढ़ा कुरान को मौला हुसैन ने, एहसान